यहाँ 17,000 रुपए किलो आलू दूध के दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश। समय समय पर देश के अलग अलग प्रदेशों से ऐसी खबरें आती रहती है कि आलू व प्याज के सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं और सब्जियों को सड़क पर फेंक रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि आलू 17,000 रुपए किलो और दूध 5,000 रुपए प्रति लीटर मिलेगा तो किसान भले ही खुश हो जाएं, लेकिन खरीदने वालों के होश जरूर उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि एक जगह ऐसी है जहां आलू 17,000 रुपए किलो बिक रहा है जबकि दूध 5,000 रुपए लीटर के भाव पर बिक रहा है। ये जगह है वेनेजुएला। दरअसल यह देश काफी लंबे समय से आर्थिक हालात से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। भूखमरी इस कदर है कि लोग 1 किलो चावल के लिए हत्याएं कर रहे हैं। इतनी खराब आर्थिक हालात के बावजूद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। मादुरो का कहना है कि उनका देश भिखारी नहीं है, यहाँ के लोगों में काफी रोष है। देश में आर्थिक संकट के चलते हालात इतने खराब हैं कि लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। आर्थिक संकट के चलते वेनेजुएला में 1 किलो चिकन की कीमत 10,277 रुपए है, जबकि किसी रेस्तरा में खाना खाने के लिए लोगों को 30 से 40 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरह एक दर्जन अंडे 6,535 रुपए में, टमाटर 11,000 रुपए किलो, मक्खन 16,000 रुपए, 17,000 रुपए किलो आलू, रेड टेबल वाइन 95,000 रुपए, घरेलू बियर 12,000 में और कोका कोला की 2 लीटर बोतल 6,000 रुपए में बिक रही हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पेट भरना हो गया है।